नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तानाजी वर्सेस बैंग बैंग मूवी की और आपको बताएंगे इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने किस ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी और कौन पड़ा किस पर भारी। मगर दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बैंग बैंग मूवी की। दोस्तों, बैंग बैंग एक एक्शन फिल्म थी जिसका डायरेक्शन किया था सिद्धार्थ आनंद ने और इस फिल्म को लिखा था अब्बास टायरवाला और सुजोय घोष ने और इसे प्रोड्यूस किया था फॉक्स स्टार स्टूडियो ने और इसके स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए थे ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ और भी कई सारे एक्टर्स। और दोस्तों, आपको बता दें कि 2010 में आई फिल्म नाइट एंड डे का ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक थी। और दोस्तों, ये एक बड़े बजट की फिल्म थी। इस फिल्म का बजट था लगभग 160 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 160 करोड़। और दोस्तों, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कमाई की थी और शानदार कमाई के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। और आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही अच्छे रिव्यूज मिले थे और ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों, आपको बता दें इसने इंडिया नेट पर टोटल कमाई की थी लगभग 181 करोड़ 3 लाख रुपए, इंडिया ग्रॉस पर कमाए थे लगभग 270 करोड़ रुपए, इसने ओवरसीज से शानदार कमाई की थी और कमाए थे लगभग 70 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों, आपको बता दें इसने वर्ल्ड वाइड पर टोटल कमाई की थी लगभग 340 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 340 करोड़। और आइए अब बात करते हैं तानाजी फिल्म की। दोस्तों, तानाजी एक बायोग्राफिकल पीरियड एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है ओम राउत ने और इसे लिखा है प्रकाश कपाड़िया ने और इसे प्रोड्यूस किया है अजय देवगन, भूषण कुमार, किशन कुमार ने। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म तानाजी मालुसरे जी के जीवन पर आधारित है जो कि मराठा सेना के वीर और पराक्रमी योद्धा थे। और इसके स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं सुपरस्टार अजय देवगन सर, सैफ अली खान, काजोल, शरद, केलकर और भी कई सारे एक्टर्स। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बहुत ही शानदार रिव्यूज मिले और अभी तक बहुत ही धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धमाकेदार कमाई करते हुए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और ये अभी भी शानदार कमाई कर रही है। और आपको बता दें कि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 4,540 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इसे दो भाषाओं में रिलीज किया गया था, हिंदी और मराठी। और इस फिल्म को सभी ने बहुत पसंद किया है, बहुत तारीफें की है और सबसे ज्यादा तारीफें हुई है अजय देवगन सर की, उनके काम को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। और अगर बात करें तानाजी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों, आपको बता दें इसने अपने 38वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 1,20,00,000 रुपए और ये अपने 39वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 40,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 40,00,000 इसका अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है लगभग 273 करोड़ 3 लाख रुपए, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 319 करोड़ 50 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन है लगभग 36 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके अब तक के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों, आपको बता दें इसने अब तक वर्ल्ड वाइड से टोटल कमाई की है लगभग 355 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 355 करोड़ 50 लाख। और अगर बात करें इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी और कौन पड़ा किस पर भारी, तो दोस्तों, आपको बता दें तानाजी फिल्म ने किस ज्यादा कमाई, तानाजी फिल्म ने मारी बाजी और अजय देवगन पड़े ऋतिक रोशन पर भारी। दोस्तों, अगर आपने दोनों फिल्में देखी है तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, तानाजी या बैंग बैंग? इन दोनों में से कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार, ऋतिक रोशन या अजय देवगन? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।